दोस्तों क्या आप क्रिकेट से प्यार करते हैं? दोस्तों क्या आप क्रिकेट खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं? क्या आप एक क्रिकेट लवर हैं? क्या आप एक क्रिकेट फैंस हैं? और क्या आप जब हम क्रिकेट में नेशनल चैंपियनशिप खेलते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं, तो लास्ट में हमें प्रोत्साहन के लिए जो प्राइजेस मिलते हैं उनका एक अलग ही मजा है दोस्तों। ऐसा ही कुछ इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन सिंह बिस्ट, देवभूमि उत्तराखंड, द्रोण नगरी काशीपुर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कार्यक्रम के शुरुआत में चीफ गेस्ट का स्वागत किया गया श्री सुभाष चंद्र जी के द्वारा। तत्पश्चात चीफ गेस्ट ने एक बॉल खेलकर हमारे खेल का शुभ आरंभ किया। मिस्टर साहब, यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के आए हुए सर्व सम्मानित कोच, क्रिकेट के खिलाड़ी और संस्था के पदाधिकारीगण, मैं आपका काशीपुर के नगरी में काशीपुर वासी होने के कारण हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर पहला मैच T10 का नेशनल चलता हुआ पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में, टॉस जीता पहले जम्मू कश्मीर ने और बॉलिंग करने का निर्णय लिया। यहाँ पर अनमोल रवनीत और दिलजोत खेल अनमोल और रवनीत खेलते हुए 3 ओवर के समाप्ति पर यहाँ पर बिना किसी नुकसान के 32 रन बन चुके हैं। मैं नवीन सिंह बिस्ट, सेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल से। यहाँ पर मैं मैच का सूक्ष्म विवरण आपको बताना चाहूँगा। पहला मैच पंजाब वर्सेज जम्मू कश्मीर के बीच में खेला गया, जिसमें पंजाब ने पहले खेलते हुए निर्धारित 10 ओवरों में 122 रन बनाए, जिसमें अनमोल, रवनीत, दिलजोत और नीरज काफ़ी अच्छा खेले। हालांकि जम्मू कश्मीर के बॉलर अनिरुद्ध ने काफ़ी अच्छा बॉलिंग करते हुए 3 विकेट झटके, परंतु पंजाब के खिलाड़ियों ने 122 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में जम्मू कश्मीर की टीम मात्र 78 रन ही बना सकी और ये मैच हार गई। हालांकि जम्मू कश्मीर के हर्ष ने काफ़ी अच्छा यहां पर खेल का प्रदर्शन दिया, लेकिन वो अपनी टीम को जिता नहीं सके। यहां पर मैं मैच का कुछ सूक्ष्म विवरण आपको बता रहा हूं। दूसरा मैच दिल्ली और उत्तराखंड के बीच में खेला गया, जिसमें कि इस मैच में दिल्ली विजेता बना। दिल्ली की तरफ से कार्तिक, ऋतिक और यश ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि उत्तराखंड के खिलाड़ी भी कम अच्छा नहीं खेले। उत्तराखंड की तरफ से प्रियांशु और लारिव ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी की, परंतु ये मैच दिल्ली ने जीत लिया। अगला मैच उत्तर प्रदेश वर्सेज जम्मू कश्मीर के बीच में खेला गया। इस मैच में यूपी ने विजय हासिल की। यूपी के वरुण, नकुल, कैफ, राजा और नीरज काफ़ी अच्छा खेले, जबकि जम्मू कश्मीर के अनिरुद्ध, ऋषभ और हर्ष काफ़ी अच्छा खेले, लेकिन इस मैच में उत्तर प्रदेश को विजय हासिल हुई। इस तरह से काफ़ी सारे लीग मैचेस खेले गए, जिसमें दिल्ली की टीम नंबर 1 पर रही। अगर मैं दिल्ली के टॉप खिलाड़ियों की बात करूं तो ऋतिक, कार्तिक, देवेंद्र, तनुष, कृष्णा, प्रियांशु काफ़ी अच्छा यहां पर प्रदर्शन करा और साथ में धर्मेश काफ़ी अच्छा यहां पर चमके। और अगर मैं पंजाब के खिलाड़ियों की बात करूं तो इसमें अनमोल, रवनीत, दिलजोत और नीरज काफ़ी अच्छा खेले हैं, जबकि मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो अनिरुद्ध, ऋषभ और हरीश काफ़ी अच्छा खेले हैं। और अब आते हैं हम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, जो कि कुणाल, प्रियांशु, लारिव, अमन और अफजल काफ़ी अच्छे यहाँ पर खेले हैं। अगर मैं पूरी चैंपियनशिप के बेस्ट खिलाड़ियों की बात करूँ तो रवनीत ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की, और जो कि पंजाब के एक अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, और प्रियांशु दिल्ली के, उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, और उत्तराखंड के भी प्रियांशु काफ़ी अच्छा चमके और वो उन्होंने सेकंड सबसे अच्छे बैटिंग की। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे ऑफिशियल्स। दोस्तों अमर उजाला मीडिया का मैं काफ़ी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, उन्होंने हमारी पूरी चैंपियनशिप की न्यूज को अपने पेपर में कवर दिया और ये डे नाइट मैच के बारे में लोगों को अवगत कराया। इस चैंपियनशिप का विजेता दिल्ली रहा और दिल्ली की टीम शुरू से ही काफ़ी अच्छा खेली और पूरी चैंपियनशिप पर सभी खिलाड़ियों पर उन्होंने अपना दबाव कायम रखा और हर जगह पर देखा जाए तो दिल्ली के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, इसीलिए दिल्ली के खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में विजेता बने हैं। थैंक्स टू ऑल प्लेयर्स, ऑफिशियल्स, ऑल गेस्ट एंड आवर चीफ गेस्ट
who came here time to time and increase the confidence level of our players. You can see here. एडवोकेट श्री संदीप सहगल ने बच्चों को शुभकामनाएं दी तथा उत्तराखंड आने के लिए उनका धन्यवाद अदा किया और साथ ही यह कहा कि आगे भी इसी तरह उत्तराखंड आकर खेलते रहें। धन्यवाद। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया हमारे चीफ गेस्ट श्री प्रदीप जोशी जी के द्वारा की गई और साथ में ही जितेंद्र सोढ़ी जी जो कि प्रधान हैं धनोरी के उनके द्वारा की गई। कार्यक्रम के अंत में चीफ गेस्ट ने सभी बच्चों को धन्यवाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ऋतिक तैयार हो जाए, हाथ उठाए ऋतिक, ओके। और यहाँ पर सुरजीत सिस्टम गाड़ते हुए बेल्ट लगा दी जाए। बेल्ट काफी दूर फेंक दी है इन्होंने, बेल्ट ढूंढनी पड़ रही है। दो लोग सर्चिंग में लगे हुए, एक बेल्ट मिल गई। दोस्तों बॉल आउट का गेम विभिन्न परिस्थितियों में क्रिकेट में खेला जाता है, जैसे कि जब पिच गीला हो जाता है तो साइड में हमें यह प्रक्रिया के तहत मैच आगे बढ़ाने होते हैं और ऐसा ही यहां पर किया गया, जिसमें कि बॉल आउट के द्वारा जो है प्रतियोगिता के मैचेस कुछ मैचेस खेले गए और इनमें खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, क्योंकि बॉल आउट में जो है खिलाड़ी को सिस्टम को गिराना होता है, उसके आधार पर टीम विजेता बन जाती है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जो अनुभव खिलाड़ी थे, मतलब अनुभवी खिलाड़ी थे, तो उन्होंने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको बॉलिंग करना तो आता था और उन्होंने अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दिखाया और अपनी टीम को आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान किया और इस तरह से जो है खिलाड़ियों ने अपने बॉलिंग के दम पर अपनी टीम को आगे बढ़ाने का कार्य किया और फाइनल में भी विजेता बनाने का कार्य किया। तो इस तरह से ये देखते हैं कि क्रिकेट एक अति संभावनाओं का खेल है, जहां पर कुछ भी हो सकता है। कोई तेज से तेज टीम पीछे रह जाती है तो कमज़ोर से कमज़ोर टीम भी आगे बढ़ जाती है। किसी तरह का बड़ा से बड़ा उलटफेर क्रिकेट में प्रायः देखा गया है और यह एक आम बात है, लेकिन इन सभी क्रियाकलापों से हमें सीखने का मौका मिलता है, हमें अच्छा खेलने की प्रेरणा मिलती है और हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है कि हम को जितनी भी गलतियां हम मैचों के दौरान करते हैं उसके बाद हम घर जाकर उन चीज़ों का मनन करें और उनको दूर करने का प्रयास करें, जिससे कि भविष्य में जब भी ऐसा मौका आए, जब भी इस तरह के हमारे मौके हमारे सामने चांस आते हैं, हमें उन्हें भुनाने का प्रयास करना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस के दम पर हमें अपनी टीम को आगे बढ़ा देना चाहिए। दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब भी हम अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे अच्छे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी जगह पे खेलने जाते हैं और वहाँ पर अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और आपकी प्रतिभा को जब लोग देखते हैं तो वो काफ़ी प्रभावित होते हैं, आपके टीम कोचेस से प्रभावित होते हैं, आपके टीम मैनेजमेंट से प्रभावित होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी का दिन खराब होता है तो वह उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। इस तरह फाइनल मुकाबला दिल्ली और यूपी के बीच में हुआ, जिसमें दिल्ली विजेता बना। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी प्रक्रिया काशीपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी श्रीमान प्रदीप जोशी जी के द्वारा की गई। प्रोग्राम के अंत में सभी खिलाड़ियों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और ये रहे वो सुंदर सुंदर प्राइज। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्राइज जीत जाते हैं और कई बार हम प्राइज के काफ़ी करीब तक पहुंच जाते हैं और नहीं भी जीत पाते हैं। इससे हमें कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं होती। जीवन में हर एक क्षण अलग अलग आता है और अलग अलग पलों का हमें मज़ा लेना चाहिए। हर एक मैच से हमें सीखना चाहिए। हर जगह पर जब हम जाते हैं कुछ नई बातें सीखते हैं, उनका एक अमूल्य योगदान होता है और ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे प्राइज पाएंगे। जो बच्चे नहीं भी पा सकते हैं, किसी तरह नहीं पाए हैं इस बार, तो वो निराश ना हो। आगे उनके सामने बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे मौके आएंगे जिनमें उनको जीतने का मौका मिलेगा और अपने बल्ले के दम पर, अपने गेंदबाजी के दम पर, अपने क्षेत्र लक्षण के दम पर वह अपने टीम को विजेता बना के जाएंगे। ऐसा ही हम उम्मीद करते हैं और सभी खिलाड़ी जो भी इस प्रतियोगिता में आए थे, जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए थे और मीडिया लेवल ने जितना साथ दिया, उन सबका एक बार पुनः धन्यवाद अदा करते हुए उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की देवभूमि में आकर आप लोगों को
अच्छा लगा है और आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अत्यंत भूमिका अदा की। और एक बार तो ऐसा लगा था कि शायद प्रतियोगिता फिनिश हो पाएगी या नहीं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा जब होती है तो हर एक प्रतियोगिता को अंत तक पहुँचाने का श्रेय ऊपर वाले के ऊपर चला जाता है और ऐसा ही इस प्रतियोगिता में पाया गया और प्रतियोगिता पूरी तरह से सफल आयोजित की गई। मैं एज ए ऑर्गेनाइजर आप सबका पुनः हाथ जोड़कर धन्यवाद अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पुनः उत्तराखंड आएंगे और इस प्रतियोगिता को इसी तरह की अन्य प्रतियोगिताओं को आप सफल बनाने में हमारा कंधे से कंधा मिलाकर हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हमारी एसोसिएशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।